स्क्लेरोडर्मा। स्क्लेरोडर्मा एक ग्रीक शब्द है जो कि स्क्लेरो और डर्मा दो शब्दों से मिलकर बना है, जिनका अर्थ होता है कठोर या सख्त त्वचा। असल में ये एक ऑटोइम्यून रोग समूह है जिसका अर्थ है कि शरीर का इम्यून सिस्टम शरीर के ही विरुद्ध कार्य करने लगता है। ये हमारी त्वचा से लेकर रक्त कोशिकाओं और आंतरिक अंगों पर भी प्रभाव डालता है। इसकी सबसे पहली पहचान ही यही है कि ये स्वस्थ टिश्यूज पर असर डालता है और वहाँ की त्वचा कठोर होनी शुरू हो जाती है। ये रोग पुरुषों के मुकाबले महिलाओं में 3-4% ज्यादा पाया जाता है और अभी तक इस बीमारी का कोई स्थायी इलाज नहीं है, यानी कि ये एक लाइलाज बीमारी है। इसलिए PGI के डिपार्टमेंट ऑफ इंटरनल मेडिसिन ने एक नई पहल की है जिसमें कि इस रोग के बारे में जागरूकता फैलाने और लोगों को इस रोग के लक्षणों, इसके बचाव, एक्सपर्ट्स की सलाह और PGI में मौजूद इलाज के बारे में जानकारी दी जाएगी। डॉक्टर शिवाली ने इस बारे में जानकारी देते हुए बताया कि इस अवेयरनेस प्रोग्राम के तहत PGI द्वारा एक वेबसाइट भी स्क्लेरोडर्मा अवेयरनेस पर काम कर रही है जो कि हर भाषा में जानकारी उपलब्ध करवा रही है। इसके साथ ही बेंगलुरु से आए डॉक्टर चंद्रशेखर ने इस रोग के बारे में बताते हुए कहा कि ये एक लाइफ लॉन्ग डिसीज होने के साथ ही इसका इलाज काफ़ी महंगा है। इस रोग को इंश्योरेंस कंपनीज द्वारा भी कवर नहीं किया जाता। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहे हैं कि सस्ते व बेहतरीन इलाज की तरफ रिसर्च जारी करते रहे, जिसे लेकर PGI काम कर रहा है। आइए देखते हैं इस जानकारी पर एक विस्तृत रिपोर्ट। तो क्या कारण है कि स्क्लेरोडर्मा का अभी तक कोई इलाज इसमें दरअसल प्रॉब्लम ये है कि क्योंकि हमको इम्यून सिस्टम को काबू में लाना है और उसको चेंज ओवर करना है, जैसा हमने बताया तो वो इम्यून सिस्टम गलती से हमारे ऊपर ही असर करता है। कभी कभी हम पेशेंट को समझाने में ये बताते हैं कि मान लो कि अगर TB का कोई प्रॉब्लम वो बाहर का माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उसको एंटीबैक्टीरियल लेने से क्लियर। ये जो प्रॉब्लम है हमारा एक पार्ट दूसरा पार्ट से लड़ा हुआ है, तो इसलिए तो मैं समझाता हूँ अगर घर का लड़ाई है उससे बाहर निकलने में बहुत दिक्कत लगती है, अगर बाहर वालों से लड़ाई है तो काम आसान है, उनसे बात मत करो तो प्रॉब्लम खत्म। ये इम्यून सिस्टम को हम पूरा सप्रेस भी नहीं कर सकते हैं या पूरा अवॉइड भी नहीं कर सकते, उसको कंट्रोल में लाना है, उसको जो इम्यून सिस्टम का जो गलती हुआ है उसको रिवर्सल करना है। वो सभी अभी रिसर्च चल रही है, मैं 20 साल से काफ़ी एडवांस हुआ है। जो 20 साल पहले हम जो बता रहे थे इसके लिए कोई इलाज नहीं है, कोई अच्छा सा इलाज नहीं है, एटलीस्ट हम 40-50% पेशेंट्स को कंप्लीट रेमिशन की परिस्थिति में ला सकते हैं, मतलब बीमारी आगे ना बढ़ जाना ऐसा लगता है। पर अभी 60-70% को पूरा तरफ से इलाज ना कर पा रहे हैं, इसलिए तो अभी उसको वी कीप इट अंडर क्लासिफिकेशन, उसके लिए कोई इलाज नहीं है। सी, इसमें थोड़ा सा पब्लिक को कंफ्यूजन हो जाती है। ला इलाज मतलब ये नहीं कि इसके लिए कोई ट्रीटमेंट नहीं, जैसा हम डायबिटीज़ को बोलते हैं, डायबिटीज़ के लिए ट्रीटमेंट है पर कंप्लीट क्लियर होने जैसा कोई इलाज नहीं जी। अभी स्क्लेरोडर्मा में वही है, स्क्लेरोडर्मा या कोई ऑटोइम्यून डिसीज में इलाज है, उससे पेशेंट नॉर्मल रह सकते हैं, जो डैमेजेस डिफॉर्मिटीज हो सकता है उसको अवॉइड कर सकते हैं, पर कंप्लीट होना या कंप्लीट निकलना सिर्फ स्मॉल परसेंटेज में होता है। 30% काफ़ी सारे में लाइफ टाइम, काफ़ी सारे में बंद हो जाती है। तो 30-40% मिशन में थोड़ा अच्छा हो गए तो रेमिशन में आ गए तो बंद भी करते हैं, पर सिर्फ 30-40% में। मेडिकल में हम ये बीमारी को फुल इलाज है तभी बता सकते हैं जब हम 90-95% पेशेंट को टारगेट कर सकते हैं, मतलब 90-95% को फुल आपका बीमारी बंद है बताना परिस्थिति आए तो तब उसको नॉन ट्रीटेबल से ट्रीटेबल के लिए शॉर्ट आउट होती है। डॉक्टर साहब, ऑन एन एवरेज 100 में से ऐसे कितने लोगों को ये बीमारी है? ये तो स्क्लेरोडर्मा कंसिडरेबली रेयर है, हम उसको 2-3 out of 1 lakh। ओके, पर इंडिया में 2-3 per 1 lakh इज़ ए बिग नंबर, तो इंडिया के पॉपुलेशन में तो ये तो बहुत अलग ही गया है, तो इट इज़ रिलेटिवली रेयर, पर व्हेन इट कम्स इट रियली प्रॉब्लम करता है, तो इसलिए तो दो रेयर रहा तो भी उसके ऊपर ट्रीटमेंट और ध्यान रखना जरूरत है। तो ये जेनेटिकली भी हो सकता है? ये जेनेटिकल नहीं है, ये मतलब फैमिली में एक या दो लोगों को होने की संभावना रहती है, पर इट इज़ नॉट हेरिडिटरी और जेनेटिक, मतलब जीन्स कुछ जीन्स से इफेक्ट हो सकती है पर जीन रहने से बीमारी आता है ऐसा नहीं है, इसलिए तो उसको हम जेनेटिक नहीं क्लासीफाई करते।
जीन रहने के वजह से वो बीमारी आने का रिस्क रहता है, दैट इज व्हाट वी कॉल इट. सो ड्यू टू फाइनेंशियल एस्पेक्ट कैन अ पर्सन स्टॉप द ट्रीटमेंट इन बिटवीन? Yes, in my experience, I have seen that many patients stop the treatment halfway. Most of them because of the financial problem. क्योंकि कुछ दवा जो है, वो सिंपल दवा जो हम माइकोफेनोलेट जो देते हैं, इट कॉस्ट अ लॉट पर मंथ, अराउंड 4,000 to 6,000 के करीब करीब पड़ती है. पर पर्सन. सो 6,000 पर मंथ ऑन वन सिंगल इंडिविजुअल, इसे इवन अपर मिडिल क्लास को भी काफ़ी अनकम्फर्टेबल होती है. सेकेंड प्रॉब्लम यह है कि इसको कोई इंश्योरेंस या थर्ड पार्टी पेयर जो इंक्लूडिंग गवर्नमेंट कभी कभी नहीं कवर करते, दैट एड्स टू द अनदर प्रॉब्लम. सो इसलिए तो फाइनेंशियल की वजह से काफ़ी सारे पेशेंट्स इलाज लेना बंद करते हैं. इट इज़ अ रेगुलर प्रॉब्लम वी सी. सो इसलिए तो वी ट्राई टू हैव सम सपोर्ट प्रोग्राम. हमारे यहाँ एक IRET ट्रस्ट है, दैट हेल्प्स द पेशेंट्स टू सपोर्ट देम. पर इट वुड बी नाइस इफ गवर्नमेंट आर एनी अदर थर्ड पार्टीज कवर्स इट, बिकॉज उनका जो फ्लो है इट विल बी मच मोर कम्फर्टेबल दैन वन और टू इंडिविजुअल्स का एफर्ट. थैंक यू डॉक्टर, थैंक यू. गुड आफ्टरनून. हम स्क्लेरोडर्मा पेशेंट अवेयरनेस प्रोग्राम करते हैं हर साल, और इस साल भी अब दो तीन सालों के गैप के बाद, कोविड के बाद हमने अब किया है. तो ये हमारा एक एफर्ट रहता है कि पेशेंट्स जिनको रेनॉड्स है या स्किन टाइटनेस है, जिनको ये बीमारी है जो काफ़ी रेयर है, वो लोग यहाँ आ पाएँ और एडिक्वेट ट्रीटमेंट उनको टाइम रहते मिल जाए. सो ये हमारा एफर्ट रहता है. और ऐसे हज़ार पेशेंट्स हमारे पास हैं, और आई थिंक वर्ल्ड में सेकंड लार्जेस्ट पेशेंट्स हैं हमारे पास. और हम लोग काफ़ी इस पे रिसर्च भी कर रहे हैं, काफ़ी ड्रग्स हम नई तरीके से प्रयोग में ला रहे हैं, जो गठिए में या किसी अदर ऑर्गन ट्रांसप्लांट के बाद जैसे टैक्रोलिमस इस्तेमाल हुई है, वैसे हमने इस बीमारी में भी यूज़ किया और पेशेंट्स को बेनिफिट हुआ है. उसके अलावा भी जेनेटिक स्टडीज़ भी चल रही हैं, जैसे कि फैमिलीज़ हैं हमारी, 8 से 10 फैमिलीज़ हैं जिनकी 2 मेंबर्स ऑफ द सेम फैमिली में स्क्लेरोडर्मा है. अक्सर नहीं होता ऐसे, तो डरने की बात नहीं है, बट कईयों में हो भी जाता है. तो उसमें भी हम लोग जेनेटिक एनालिसिस कर रहे हैं, मान 50 पेशेंट्स का किया है, उनका वो पब्लिश भी हुआ है. सो हमारा एक व्हाट्सएप ग्रुप है, उसमें हम इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करते हैं. एक वेबसाइट है, पेशेंट्स उनमें हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं. सो ये एक बड़ा एक सिंपल मैसेज है कि जैसे आपकी फैमिली आपके साथ रहती है बीमारी में, तो हम पेशेंट्स के साथ रहना चाहते हैं उनके इस डिजीज़ में या और ऑटोइम्यून डिजीज़ में. हम एक्सेसिबल हैं थ्रू व्हाट्सएप ग्रुप, थ्रू वेबसाइट. सो आपकी हम ये आपसे ये चाहते हैं कि आप इसको मैसेज को स्प्रेड करें ताकि लोग इसके बारे में अवेयर. सिम्टम्स क्या है पहले वो थोड़ा सा बता दीजिए, क्या क्या हम आपको जैसे बताते हैं. स्किन टाइटनेस है, रेनॉड्स है, गठिया जैसा भी हो सकता है, ये सबसे कॉमन है. उसके अलावा कई पेशेंट्स को ILD होता है या गट मतलब गट में प्रॉब्लम होती है, इनडाइजेशन. ओके. और मैम ये ऑन एन एवरेज किस एज से स्टार्ट होता है, और ज्यादातर ये फीमेल्स में ही है? जनरली जैसे गठिया होता है फीमेल्स में होता है, यंग फीमेल्स में होता है, ये भी यंग फीमेल्स में ज्यादा होता है, बट ऐसा नहीं कि मेल्स में नहीं होता है, उनमें भी कईयों में हो सकता है. 20 to 50 इयर्स फीमेल्स में ज्यादा होता है, बट कईयों को जल्दी भी होता है, बट कईयों को थोड़ा बाद में भी होता है. पर जिन पेशेंट्स को नहीं पता चलता कि उन्हें ये बीमारी है, उन्हें कैसे पता चले, उनके लिए अवेयरनेस के लिए क्या करना है? आई थिंक स्किन टाइटनेस इज वेरी नॉट कॉमन, बट जब होता है तो सबको पता चलता है. बट ये है कि कई लोग जैसे इतना अवेयर नहीं होते, कॉस्मेटिकली इतना बॉदर नहीं करते, उसमें फिर बहुत बढ़ जाता है, फिर वो इलाज करना और रिस्पॉन्सेज उतने अच्छे नहीं आते. अभी तक इस बीमारी का कोई इलाज नहीं हो पाया है? देखिए ऐसे हर क्रॉनिक डिजीज का ना इलाज होता है. जैसे अब डायबिटीज का कोई इलाज नहीं है कि आपने एक दवाई खाई और वो खत्म हो गया, ऐसा नहीं है. वो भी ऐसा है, वो विद ट्रीटमेंट कंट्रोल. ठीक है, थैंक यू.
ताज़ा अपडेट्स और बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें अर्थ प्रकाश टीवी और बेल आइकन दबाना ना भूलें।